अगर आज हिंदुस्तान जमीन से छलांग मार आसमान तक जा पहुंचा है तो इसका श्रेय सतीश धवन को भी जाता है। जी हाँ, देश के मशहूर भारतीय एरोस्पेशस इंजीनियर प्रोफेसर सतीश धवन। कम ही लोग होंगे जो इन्हें नहीं जानते होंगे। इनका जन्म साल 1920 में 25 सितंबर यानी के आज ही के दिन हुआ था। उन्हें भारत में प्रयोगात्मक फ्लूट डायनामिक्स रिसर्च का पितामह माना जाता था। विक्रम साराभाई के बाद साल 1972 में उन्होंने इसरो चेयरमैन का पद संभाला था। भारत की पहली सुपरसोनिक विंड टनल IISC बेंगलुरु में लगाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। इसके अलावा उन्होंने सफलतापूर्वक INSAT, IRS और PSLV के रिमोट सेंसिंग और उपग्रह संचार कार्यक्रम का भी काम संभाला। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि सतीश धवन इंग्लिश लिटरेचर के मास्टर थे, जिसके बाद वो स्पेस साइंस के भी मास्टर बने और भारत को कई बहुमूल्य पलों से नवाजा। और यही वजह भी है कि आज भारतीय उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा को अब प्रोफेसर सतीश धवन स्पेवस सेंटर के नाम से जाना जाता है। भले ही सतीश धवन देश के महान वैज्ञानिकों में से एक रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को एक सफल और महान वैज्ञानिक मानने से इनकार किया। उन्होंने हमेशा ही खुद को एक टीचर ही करार दिया। अपने इंटरव्यू में भी वो हमेशा इस बात का जिक्र करते रहे कि उनका मकसद देश के युवाओं को बेहतर वैज्ञानिक बनाना है। आज वो बेशक हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश को दी उपलब्धियों के जरिए उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।